रेत जरा सी सॉन्ग आप बार बार सुनने पे क्यों मजबूर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोस, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, फिल्म अतरंगी रे के ट्रेलर आते ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पे थी। इसका एक गाना रिलीज हुआ था जिसमें धनुष के साथ सगाई में थिरक रही थी सारा अली खान। श्रेया घोषाल द्वारा गाए इस गाने को फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। वहीं अब इसका दूसरा साउंड ट्रैक रिलीज हो चुका है और यकीन मानिए सीधे दिल तक जाता है। गाने का नाम है रेत जरा सी और इसकी मेलोडी में आप भी गुम हो जाएंगे। गाने में साफ दिख रहा है कि तीनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, तीनों एक दूसरे के लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। सारा अली खान कभी धनुष के साथ रोमांस कर रही है, कभी अक्षय कुमार के साथ रोमांस करती हुई नजर आ रही है, जब बिछड़ रही है तो रो रही है। एक अलग ही प्यार की जर्नी और ये फिल्म भी देखने को मजबूर कर रहा है गाना, क्योंकि एक अलग सी लव स्टोरी हमें देखने को मिल रही है और इस फिल्म में अक्षय कुमार जादूगर होंगे जो कि इन दोनों की लव स्टोरी ट्रैक पर आएंगे। लेकिन ये क्या हम देख रहे हैं कि सारा को अक्षय कुमार से ही प्यार हो जाएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें भी है कि आखिर लव स्टोरी होने क्या वाली। और अच्छी बात है कि प्रिडिक्टेबल नहीं है स्टोरी और सीधे जब फिल्म देखेंगे तो मजा आएगा। एक थोड़ी सी नाइंसाफी इस फिल्म के साथ साफ देख रही है क्योंकि इसे थिएटर में रिलीज किया जाना था, बड़े पर्दे के हिसाब से बनाई गई मूवी, और सीधे इसे अब OTT पर रिलीज किया जाएगा। थोड़ा फैंस को भी दुख है पर गाने ने खुश कर दिया है। अरिजीत सिंह द्वारा ये गीत म्यूजिक लवर्स के लिए एक ट्रीट है। अगर आने वाले वक्त में गाना चार्ट बस्टर में अपनी जगह बना लेता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। AR रहमान का म्यूजिक, अरिजीत की आवाज और ये डेडली कॉम्बिनेशन आपको भी बार बार सुनने पर मजबूर कर देगा। 24 दिसंबर को Disney+ Hotstar पर रिलीज हो रही है लव ट्राइंगल से भरपूर सारा, अक्षय और धनुष की जोड़ी फैंस के लिए काफी ज्यादा फ्रेश है। और हमारे रांझणा यानी कि धनुष को देखकर तो वाकई रांझणा की याद आ जाती है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी मासूमियत बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही है और मन कर रहा है कि जल्द से जल्द हम इस फिल्म को देखें। फिल्म में आपको जो ये गाना है उसमें आवाज़ श्रेया की भी सुनाई दे रही है और जब ट्रेलर और कुछ टीज़र रिलीज हुआ था तो इसका म्यूज़िक बज रहा था। अब गाने से पता चल गया कि ये वही म्यूज़िक था। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अतरंगी रे का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।